आज की रेसिपी में हम बंगाली मिठाई छेना रोल बना के तैयार करेंगे आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का येलो है इसमें मैंने कलर ऐड किया है और इसको राजभोग फ्लेवर में बना के तैयार किया है अंदर में मैं दूध का क्रीम ऐड किया है ज़्यादातर जो हलवाई लोग मिठाई में ऐड करते हैं वो वाला क्रीम है ये बहुत ही स्पंजी और स्वादिष्ट मिठाई है ये इसके अंदर मैंने जो क्रीम ऐड किया है वो दूध का क्रीम है ये वाला रेसिपी मैं पहले भी डाल चुकी हूँ दूध का क्रीम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा तो चलिए अभी बंगाली मिठाई छेना रोल बना के तैयार करते हैं अगर आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप में इसमें बताने बाई वीडियो को एंड तक जरूर देखें दो लीटर दूध मैंने लिया है छेना बनाने के लिए दूध को पहले गर्म करेंगे ये गाय का दूध है छेना को हम विनेगर से भी बना सकते हैं नहीं तो नींबू का रस से भी बना सकते हैं लेकिन एक बात की ध्यान रखें जितनी क्वांटिटी में हम नींबू का रस या विनेगर यूज करें उतनी क्वांटिटी में पहले हम पानी उसमें मिला के फिर उसको दूध में डाल के छेना बनाना है अगर हम डायरेक्ट नींबू का रस या विनेगर दूध में डाल के छेना बनाने की कोशिश करें तो छेना उतना सफ़्ट नहीं बनता अगर छेना सफ़्ट नहीं बनेगा तो स्वीट भी उसी हिसाब से अच्छा नहीं बनेगा दूध अभी उबलने लगा है तो फ्लेम को बंद करेंगे दो लीटर दूध के लिए हम यूज़ करेंगे चार टेबल स्पून भिनेगर उसके साथ चार टेबल स्पून पानी मिला के तो एक कटोरी में मैंने विनेगर और पानी को मिक्स करके रखा था उसको अभी हम उबला हुआ दूध में डालेंगे और लगातार इसको चलाएंगे जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे पनीर और पानी अलग होता जाएगा एक बात की ध्यान रखें मैंने यूज़ किया है दो लीटर दूध के लिए चार टेबल स्पून भिनेगर और चार टेबल स्पून पानी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पनीर अभी बन चुका है पनीर को एक छन्नी में छान के ले लेंगे पानी निकालने के बाद ऊपर से नॉर्मल वाला वाटर और एक ग्लास पनीर के ऊपर डालेंगे ताकि विनेगर का जो खट्टाई पनीर से निकल के चला जाए पनीर को मैंने एक छन्नी में छान के ले लिया उसमें से एक्स्ट्रा पानी को अच्छी तरीके से निकाल दिया ऊपर से और एक ग्लास पानी डाल के इसको एक तरह से धो भी लिया ताकि विनेगर का ही उसमें से चला जाए पहले हम पनीर को थोड़ा सा खोल देंगे अभी हम इसमें ऐड करेंगे एक टीस्पून मैदा मैदा और पनीर को हमको अच्छे से गूंदना है पहले दोनों चीज़ को मिला देंगे फिर हम जिस तरीके से रसगुल्ला बनाते हैं अच्छी तरीके से छेना को हम चिकना करते हैं हाथ में उसी तरीके से छेना को गूंद गूंद के चिकना करना है कम से कम दो से तीन मिनट तक इसी तरीके से उसको गूंदना है छेना को गूंदते हुए ढाई से तीन मिनट हो चुका है छेना अभी चिकना भी हो चुका है आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट दिख रहा है अभी इसको गूंदना बंद करेंगे इसको रख देंगे अभी चाशनी शुरू करेंगे चाशनी बनाने के लिए हम 400 ग्राम शक्कर ले लेंगे इसमें इसका ढाई गुना पानी हम डालेंगे इसका मतलब एक लीटर पानी इसमें हम डालेंगे ये मैंने डाला आधा लीटर पानी और आधा लीटर इसमें डालेंगे शुगर मैंने जितना लिया उसका ढाई गुना पानी लिया है फ्लेम को अभी ऑन करेंगे बीच बीच में इसको चलाते हुए इसको बॉयल करेंगे चाशनी बनाने के टाइम फ्लेम को स्लो मीडियम ही रखना है छेना से अभी हम गोला बना के तैयार करेंगे जितना साइज गोला हम लेंगे सेप देने के बाद जब इसको मिठाई बनाएंगे वो डेढ़ गुना बड़ा हो जाएगा जब ये बॉयल होगा चाशनी में तो इसलिए मीडियम साइज गोला ही लेना अच्छी बात है अगर हम बड़ा साइज ले, ले लेते तो बहुत बड़ा मिठाई बन के तैयार हो जाएगा छेना के गोले को अभी सेप दे देंगे पहले इसको राउंड शेप देंगे फिर ओवल शेप में बना के तैयार करेंगे ज़्यादातर छेना की टोस्ट ओवल सेप में बनाया जाता है इस तरीके से बनाएंगे और थोड़ा सा चपटा इसको कर देंगे इसी तरीके से सेब दे देंगे बस ऐसे ही सारी की सारी जो छेना है उसको सेब देके पहले हम तैयार करेंगे चाशनी उबल रहा है चाशनी में अभी हम डालेंगे तो कुटी हुई इलायची छेना के गोले को भी चाशनी में डालेंगे फ्लेम को स्लो मीडियम करेंगे बहुत ज़्यादा छेना की गोला एक साथ ना डालें क्योंकि ये उबलने के बाद इसका साइज बड़ा हो जाएगा कढ़ाई के हिसाब से ही डालें कढ़ाई को कवर करेंगे और स्लो मीडियम फ्लेम में 10 मिनट तक इसको हम कुक होने देंगे 10 मिनट बाद चेक करेंगे आप देख सकते हैं साइज कितना बड़ा हो चुका है छेना के गोले का अभी हम इसका साइड को चेंज कर देंगे एक बात की ध्यान रखें अगर चाशनी कम हो गया होगा तो इसमें थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा थीक वाला चाशनी जो होता है वो छेना बॉयल के लिए अच्छा नहीं होता है फिर से एक बार कढ़ाई को कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट तक छेना को बॉयल होने देंगे 15 मिनट हो चुका है छेना भी अच्छे से कुक हो चुका है इसमें से हल्का हल्का क्रैक भी दिखाई दे रहा है तो फ्लेम को अभी बंद करेंगे एक भाग चाशनी में आधा भाग पानी मिला के हम एक ट्रे में ले लेंगे इसमें अभी मिलाएंगे दो तीन बूंदे येलो फूड कलर स्टफिंग में हम राजभोग फ्लेवर में क्रीम देने वाले हैं इसलिए मैंने येलो फूड कलर ऐड किया अभी हम छेना की मिठाई को हल्का सा प्रेस करके उसमें से चाशनी निकाल के इसमें हम डालेंगे ताकि इसका जो कलर है अच्छे तरीके से छेना की मिठाई में आ जाए इसमें हमको इसी तरीके से डाल के चार से पाँच घंटा तक रखना है ताकि कलर जो हो अच्छे से मिठाई के अंदर तक चला जाए छेना की मिठाई को कलर वाला चाशनी में डालते हुए पाँच घंटा हो चुका है आप देख सकते हैं मिठाई के ऊपर कलर भी अच्छी तरीके से चढ़ चुका है दोनों हाथ में लेके हल्के से प्रेस करके इसमें से चाशनी थोड़ा निकाल देंगे और बीच में से इसको कट करेंगे एक धार वाला चाकू लेना है और धीरे धीरे कट करना है छेना की मिठाई के अंदर तक अच्छे से चाशनी गया है और जाली भी दिखाई दे रहा है इस तरीके से सारी की सारी मिठाई को हम कट करके पहले तैयार करेंगे यहाँ मैंने आधा कप मिठाई वाला क्रीम ले लिया है इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करेंगे काजू नर्स टू टेबल स्पून उसके साथ पंद्रह केसर की धागे मैंने मिला के लिया है कटी हुई पिस्ता ले, ले लेंगे एक टी स्पून टू टेबल स्पून कटा हुआ बादाम और उसके साथ हाफ टी स्पून मैंने मिला के रखा था इलायची पाउडर सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला देंगे इसमें हमने केसर भी डाल दिए इलायची पाउडर भी डाल दिए और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए तो अच्छी तरीके से इसमें से राजभोग वाला फ्लेवर आ जाएगा अभी हम छेना की स्लाइस को हाथ में ले लेंगे और उसके अंदर स्टपिंग भरेंगे बस एक टीस्पून भरना है और दोनों साइड में छेना की जो पीसेस को बंद करेंगे ये पूरा नहीं बंद होना है हल्का सा बंद करके छोड़ देंगे बस इसी तरीके से सारी के सारी जो पीसेस है उसको बना के तैयार करना है कटी हुई पिस्ता से मिठाई को सजा देंगे चैनल भी बन के तैयार है इस रेसिपी को आप भी एक बार जरूर ट्राई करें रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें इस तरह की बहुत सारी नई नई मिठाइयाँ का रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच सके